चलिए आज एक ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले दो बच्चों की, जिसमें से एक की उम्र है 10 साल और दूसरे की होती है 6 साल। एक दिन क्या होता है, ये दोनों खेल रहे होते हैं गांव के में। अब खेलते खेलते ये दोनों गांव के बाहर निकल जाते हैं और वो ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक लोगों का कम आना जाना होता है। तो खेलते खेलते जब ये गांव के बाहर निकल जाते हैं तो उसमें से जो 10 साल का बच्चा होता है वो एक कुएं में गिर जाता है और जो 6 साल का बच्चा होता है वो देख रहा होता है कि ये नीचे से चिल्ला रहा है कि बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अब ये 6 साल का बच्चा दूर दूर तक देख रहा है कि कोई बचाने के लिए, उसके दोस्त को बचाने के लिए आ जाए। अब दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये क्या करता है, ये छोटा बच्चा देखता है कोई नहीं दिख रहा, तो इसको एक बाल्टी और एक रस्सी दिखती है और वो रस्सी उस बाल्टी से बनी होती है। अब बच्चे को समझ में नहीं आता है, वो बाल्टी लेता है और लेके आता है और कुएं के अंदर डाल देता है। अब उस दोस्त को कहता है कि पकड़ ले इसे। अब जब वो दोस्त उस बाल्टी को पकड़ता है तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो रस्सी को पूरी ताकत से ऊपर खींचता है और वो तब तक खींचते रहता है जब तक उसका दोस्त ऊपर ना आ जाए। अब वो खींच रहा है, पूरा जोर पूरा जोश लगा दिया उसने, वो खींचते जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद वो दोस्त, उसका जो दोस्त होता है वो ऊपर आ जाता है। अब ये दोनों रोते हैं, गले मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इनका टाइम आता है घर जाने का। अब ये दोनों घर पर जाते हैं। अब सोचते हुए जाते हैं कि घर पर गए तो पिटाई होगी, क्योंकि ये गीला दिख रहा है, जो 10 साल का बच्चा होता है वो गीला होता है। तो ये पहुंचते हैं घर में। अब उसके जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ था, बताओ क्यों गीले हो गए। तो पूरी जो कहानी होती है पूरा उसको सुनाता है। तो अब उसका जो बाप होता है उसको यकीन ही नहीं होता कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से निकाल रहा है। अजीब बात है, यकीन ही नहीं होता। अब गांव में, पूरे गांव में वो खबर फैल चुकी होती है, तो पूरे गांव वालों को भी यकीन नहीं होता। तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है उस गांव में, उसको यकीन होता है, वो थोड़ा जानकार होता है, वो भरोसा कर लेता है उन बच्चों पे। तो अब पूरे गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि 6 साल का बच्चा कैसे 10 साल के बच्चे को निकाल सकता है। तो अब ये पूरे गांव वाले एक साथ जमा होते हैं और उस बुज़ुर्ग के पास जाते हैं, उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं में से निकाला है, जबकि इसकी ताकत और इसकी उम्र से ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पूरी कहानी उसको भी सुनाते हैं। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को नहीं निकाल सकता। अब बूढ़ा आदमी उनसे पूछ रहा है, तो गांव वाले को फिर भी यकीन नहीं हो रहा। तो अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, उसने जो 6 साल का बच्चा था उसने इसलिए उस 10 साल के बच्चे को निकाल पाया क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। क्या कहा, दूर दूर तक कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। और इस बच्ची, जो बच्चे ने उस 10 साल के बच्चे को निकाला है, उसको भी ये नहीं पता था कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझदार ही नहीं था। तो आपको इस कहानी से कुछ समझ आया? ये कहानी सुनाने का और सुनने का यही मकसद था कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई दूसरा आके आपको ये कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस का ये नहीं है, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना है और अपने काम में लगे रहना है और आगे बढ़ना है। कहानी पूरी देखने के लिए दिल से शुक्रिया।